Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study math of class 2. We are going to learn concept from unit number 6, shapes. Lecture number 2, quadrilaterals and triangles. Let's start. Quadrilateral. क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन क्या है? अ फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर. रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स आर फोर साइडेड फिगर्स. क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं? जिसकी फोर साइड्स होंगी वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटर. ठीक है, क्वाड्रिलेटर में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स आती है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों की फोर साइड्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगल हैज़ फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस. ठीक है, एक रेक्टेंगल की फोर साइड्स होती है, फोर ही वर्टिसेस होती है. इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल लेंथ होती है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट आपके पास क्या है? स्क्वायर. स्क्वायर के डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर हैज़ फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस, ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, तमाम साइड्स क्या होती है? इक्वल लेंथ होती है. इसकी डायग्राम क्या है? नीचे आपको दिखाई दे रही है. ठीक है, इट्स ऑन पेज नंबर 92. नेक्स्ट आपके पास क्या है? ट्रायंगल. ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस. ठीक है, इसकी थ्री साइड्स होती है और थ्री ही वर्टिसेस. द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मे और मे नॉट बी इक्वल इन लेंथ. ये तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकते, जैसे कि आपके पास डायग्राम है. इट्स ऑन पेज नंबर 92. I hope you have learnt it very well. Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.